पेज नंबर 52 एंड 53। टॉपिक मधुबनी पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। ओके, मधुबनी मीन्स बिहार, मध्य प्रदेश, वो एरिया में ज़्यादा डेवलप हुई थी। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 52। ओके, फर्स्ट तो हम आउटलाइन कर लेंगे ज़्यादा, इसकी बेटर रहेगा, एरिया हमारा फिक्स हो जाए, इतने में हमें ड्रॉ करना है। हमेशा थोड़ी 1 सेंटीमीटर जितनी बॉर्डर आप छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर में थोड़ा सा आपको आउटसाइड जाना पड़े तो बेटर है। ओके, फर्स्ट बॉक्स, कंप्लीट बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप मधुबनी पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये मधुबनी पेंटिंग है, राइट। इसमें फर्स्ट ड्रॉ करना है, सेकंड कलर और थर्ड कंप्लीट बॉर्डर डिज़ाइन। ओके, लेकिन हम आपको ड्राइंग करना सिखाएंगे, कलर तो आप वही स्मार्ट, वैसे भी हमने बहुत सारे ड्राइंग में कलर किए थे तो आपको कलर इजी है इसमें, तो उसकी कंपेरिजन में। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मधुबनी पेंटिंग, आप सी केयरफुली। ओके, फर्स्ट फिगर बनाएंगे, उसके फिगर रियलिस्टिक के पास होते हैं थोड़ी। ओके, म्यूजिशियन है। ओके, फर्स्ट सेंटर वाला ड्रॉ करेंगे। ओके, ये है उसका पार्ट, ये हैंड, ऐसे ही ड्रॉ करना है, रफ ड्रॉ। लेग डांसिंग गर्ल है तो मिस डांस करता हुआ फिगर लगे। सेकेंड गर्ल है वो, उसको पास दूसरा कुछ म्यूजिशियन है, शरण है जैसा। ओके, ये भी इसी के लिए हाइट में है, यहाँ से चाहे थोड़ा सा। ओके, इसका भी हैंड पहले रफ ड्रॉ कर लेना, उसके लेग। ओके, राइट साइड एक गर्ल है, टोटल 3 गर्ल है। okay, इसका भी हैंड ऐसे तारीफ कर रहा, वाह 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 ऐसा वाला है। okay, ये उसके भी ये बॉडी पार्ट और ये इसका मूवमेंट, ये हमने रफ ड्रॉ किया। अब फेयर ड्रॉ करते हैं, कैसे करना है। हल्का सा ये डार्क हो गया था, उसको मैं लाइट कर रहा हूँ। पेंसिल आपकी शार्पन हो या ना हो, उससे ज़्यादा डार्क होनी चाहिए पेंसिल थोड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कलर या नहीं करना है, कलर करना है, लेकिन मैं इसमें कलर नहीं करूँगा, आपको ड्राइंग दिखाऊंगा पहले। ओके, फर्स्ट स्टेप बड़ी सी आँख है उसकी, आइस थोड़ी बड़ी होती है।
अंदर का जो पॉइंट है ऐसे हल्का सा। ओके ये है ब्रो। ये उसकी नोज। ओके लिप्स, सिंपल से लिप्स। ईयर और इसके हेयर। ये फर्स्ट जो फिगर है। ओके इसी के आसपास हमें ड्रॉ करना है, तो ध्यान रहे हमें कैसे ड्रॉ करना है। ओके डॉग, उसके गले में एक म्यूजिशियन ढोलक है, उसके फर्स्ट हैंड बना लेते, ज़्यादा मसल्स नहीं बनाने हैं। ओके सिंपल से रखने, क्योंकि कहाँ पे आपको कौन सी मूवमेंट देनी है वो ध्यान रहे। ओके ये उसके कपड़े, यहाँ पे ये हैंड बॉटम की तरफ जा रहा है। बॉटम में मिस म्यूजिशियन का ढोलक का जो है एक पार्ट है। ओके हल्का सा इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है वो। ओके इसके हाथ में भी देखो कुछ पहना है। ओके ये ड्रॉ करते रहना है, फिर कलर में हमें वो अच्छा रहे। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड वाला है हमारी। उसके हाथ में भी डिजाइन, ये हाथ में भी। ओके हमारी ओके ये फेस फर्स्ट फिगर का जो है स्माइली फेस और म्यूजिक जोर शोर से बजा रहा है। अब म्यूजिक का जो ढोलक है वो बनाते हैं, उसकी भी एक मूवमेंट है। ओके यहाँ पे जो हैंड हैंड है यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि यही बजा रहा है। दूसरा हैंड यहाँ आएगा लेफ्ट साइड। फिर डिज़ाइन थोड़ी सी, उसके अंदर भी डिजाइन।
ये हैंड अब नीचे की तरफ आता है, यहाँ से उसका जो बॉडी पार्ट था वो यहाँ निकलेगा यहाँ से, ओके, एंड राइट साइड वाला हमारे टायर राइट साइड वाला पार्ट यहाँ से ऊपर यहाँ निकलेगा, ओके, यहाँ पे क्लॉथ कपड़े बना लेते हैं उसके, ओके, यहाँ से उसके लेग यहाँ तक का क्लॉथ, हैंड को फ्री रखना है, अपने हैंड ज़्यादा भार हैवी नहीं रहना चाहिए, लेग की फिंगर्स 1 2 3 4 ये 4 फिंगर, ओके, लेग में भी पहना है, ओके, यहाँ से इसके दूसरा लेग ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गए 4, लेफ्ट साइड भी, ये फर्स्ट फिगर हमारा कंप्लीट, ओके, सेकंड फिगर राइट साइड, फिर ड्राइंग के राइट साइड है, ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा हैंड का यहाँ पे ऐसे कुछ रख दो तो आपका हैंड से दूसरा ड्राइंग बिगड़े नहीं, ओके, सेकेंड ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, मीन्स फिगर, मधुबनी पेंटिंग में जो उसके फिगर है वो सब आप थोड़ा स्टडी करना, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो जो स्टार्टिंग में हमने किया था स्टडी, ओके, आइस उसकी देखना आप थोड़ी सी आपको हर एक ड्राइंग की तरह नहीं लगेगी, अलग लगेगी, स्माइल के साथ, ओके, इसका फेस सेम लेवल, इसके हेयर, ओके, अब हैंड, क्लोथ, हैंड बना लेते पहले यहाँ से, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम थोड़ा उसको अंदर की तरफ ले लेते हैं एनाटॉमी के हिसाब से, ओके, थोड़ा हाइट लेवल तो इसका फिर लेंथ ज़्यादा हो जाती, कभी ऐसा भी होता है तो हमें ध्यान रखना है लेंथ उसकी बढ़ ना जाए, ओके, नेक्स्ट हैंड,
उसके हाथ में भी एक म्यूजिशियन है, इसलिए उसके हाथ में एक शरण है। ओके, यहाँ पर भी ध्यान रखना, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दिया होगा। ओके, ड्राइंग करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब फिगर के दूसरा हैंड कहाँ से जॉइंट होता है, यहाँ से होकर यहाँ तक आता है। यहाँ से उसका कपड़े क्लोथ बनाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पर भी एक डिज़ाइन मीन्स हैंड, उसके ऑर्नामेंट। ओके, ऑर्नामेंट के बाद वो अच्छा फिगर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके लेग वाला पार्ट। क्लोथ क्लोथ में डिजाइन। ओके, यहाँ पर भी एक पैटर्न। ओके, ऐसे ही हल्के हाथ से हमें ड्रॉ करना है। ओके, इसके लेग यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ उसके घुटने, और यहाँ से ये जो लेग है सेंटर वाले के ध्यान में रखना, स्टडी कर लेना। फिर ये सेम टू सेम जो ड्रो नहीं है इसमें, फिर भी आप ड्रो कर पाओगे। ये लेग उसके कंप्लीट, और ये पीकॉक है पीछे, लेकिन हम बाद में बनाएंगे। पहले राइट साइड वाला हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, लेकिन रखे तो अच्छा है, जितना हो सके उतना साफ रहेगा आपका ड्राइंग। ओके, सेकंड थर्ड ड्राइंग, थर्ड फिगर स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी लेवल पे, इसके स्लाइड नीचे। इसकी भी स्माइल बहुत अच्छी है, इसके लिप्स देखो आप, उस जो फर्स्ट हमने जो ड्राइंग किया था उसी को साइड फेस से देखते हैं वैसे ही है। लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है उस साइड उसी तरफ है।
उसी तरह है। ओके, हेयर स्टाइल इसकी डिफरेंट है थोड़ी। इसके हेयर बंद हेयर है, बांध के रखे ऐसे हेयर। ओके, ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट। ये हेयर वाला एक्स्ट्रा पार्ट इरेज। ओके, नेक्स्ट नीचे की तरफ आते हैं। हैंड हैंड थोड़ा लेफ्ट साइड जा रहा है, उसके बाद वहाँ से मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ। ओके, आगे का ड्राइंग करते हैं। ये फिगर वाला। ओके, इसका हैंड यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ और नीचे और बस। पहले ये बॉडी पार्ट बना लेते हैं। ये उसकी साड़ी, एक मूवमेंट सा। ओके, मूवमेंट है एक उसका मूवमेंट जैसा। ओके, ध्यान रखना मूवमेंट उसकी हमें कवर हो, मिस उसका जो रिदम होता है मधुबनी पेंटिंग लगे, इसलिए उसकी जो स्टाइल है वही रहनी चाहिए। देखिए साड़ी, ओके, यहाँ से उसका पल्लू में दूसरी साड़ी का पार्ट। ओके, ये हैंड और ये हैंड के आसपास थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, ये हैंड यहाँ से होता हुआ बस इतना सा लॉन्ग रखते हैं। ये इसकी पार्ट यहाँ से कर लेते हैं। ओके, ये फिगर यहाँ से होता हुआ ये, फिर इसमें भी वेव डिजाइन के हिसाब से। ओके, ये डिजाइन और ये तो हमने कर ली। ओके, अब यहाँ पे हैंड बनाना। ओके, ये मधुबनी पेंटिंग का हैंड नहीं लग रहा, डिफरेंट टाइप का होता है थोड़ा, ये होता है। ओके, अब हमें उसके लेग बनाने हैं। लेग बना लेते हैं, यहाँ से निकलते हुए यहाँ घुटना और यहाँ से। ओके, ये दूसरा पार्ट, ये भी यहाँ से निकलता हुआ। ओके, लेग के
नीचे वाले पार्ट बनाते हैं, फिंगर वाला पार्ट। ओके, ये थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया लग रहा मुझे। ओके, अब राइट लग रहा है। ये हमारे 3 फिगर कंप्लीट हो गए मधुबनी के। अब हमें इसके बैकग्राउंड बनाना है, इसके पीछे हमें बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड करते हैं, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई तो चेंज कर देते हैं। थोड़ा है, ओके। अब यहाँ पे एक ट्री आएगा, एक पीकॉक आएगा और एक यहाँ पर भी एक पीकॉक आएगा। तो पीकॉक राइट फिगर के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड से पीकॉक बनाते हैं। यहाँ पे वेल है, थोड़ी वेल भी बना लेते हैं पहले। ईजी, आप ये तो आराम से आप कर लोगे। ये पीकॉक बना लेते हैं इस साइड।
यहाँ से कंप्लीट पीको वाली पार्ट पीको के लेग दूसरा लेग ओके अब ये फिगर के पीछे भी पीकॉक है यहाँ पर भी एक पीकॉक बना लेते हैं। ये पीकॉक आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। इसके विंग्स में भी डिजाइन है। ओके हमें थोड़ी सी डिजाइन बनानी उसके अंदर। ओके यहाँ से लेग यहाँ
पे डिजाइन, ये पिको की टेल पूछ, इसके अंदर भी डिजाइन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन था थोड़ा, यहाँ तक ले जाना है, ये पार्ट यहाँ तक जाएगा और इसके अंदर भी थोड़ी सी फ्लावरिंग। ओके, यहाँ पर भी सर्कल, अब यहाँ पे एक ट्री है जो ट्री पीकॉक के बैक साइड से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता हुआ। ओके, इसकी टेल को टच कर देता है, ये ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रही है, ये वो ब्रांचेस को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सेकेंड ब्रांच आ रही है, वो भी टॉप साइड जा रही है, ये ब्रांचेस को भी फिनिश कर देते हैं। ओके, थर्ड स्टैम्प है। ओके, ये ब्रांचेस ऊपर जा रही, यहाँ फिर यहाँ निकल रही है, थिकनेस दे देते हैं। ओके, उसमें से भी एक ब्रांचेस निकल रही है, कि ये ब्रांचेस भी आगे जाकर यहाँ पर यहाँ जाएगी। स्टेम की तरफ जाते हैं वापस, फिर यहाँ से ऊपर ट्री, यहाँ स्टेम। ओके, स्टेम में भी डिजाइन है, स्टेम में विलेज टाइप डिजाइन है, जो विलेज में ज्यादातर दिखाई देती है ऐसी डिजाइन। ओके, नेक्स्ट ब्रांचेस जो है उसके अंदर भी पैटर्न है थोड़ी थोड़ी, आगे जाकर भी थोड़ी थोड़ी सी ओके, अब ये ट्री के लीफ बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फ्लावर है,
इसके अलग है। ब्रांचेस से जुड़े हुए गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट। बॉर्डर है लेकिन बॉर्डर हम ऊपर से भी कर सकते हैं।